हेलो माय फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल माय ब्यूटीफुल रूफटॉप गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक एक डीआईवाई पे है। मैंने फिर से वेस्ट प्लास्टिक के बॉटल से कुछ प्लांटर्स क्रिएट किए हैं और एक जो पानी के जार आते हैं हमारे 20 लीटर के, उससे एक बड़ा प्लांटर मैंने बनाया है। वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। और कुछ मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था रजनीगंधा के बल्ब को हम कैसे लगाते हैं, उसका मैं आज आपको अपडेट भी इसी वीडियो में दे देती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, हमारा बेलपत्र का वृक्ष जो था, इसकी सारी लीव्स झड़ चुकी थी। अब ये नई नई सी कोपलें और ये छोटी छोटी सी बेलपत्र देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमारे पेंटास इस समय काफ़ी अच्छा गर्मी में ब्लूमिंग करते हैं, और ये प्लूमेरिया। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए ये हमारे रजनीगंधा के बल्ब हैं। और देखिए, मैंने इस पॉट में चार बल्ब आपको लगाने के लिए बताए थे और चारों एक साथ लगे थे, पर देखिए तीन की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी बड़े हो गए हैं ये। बट इसकी देखिए, ये अभी इतना सही है। और ये एक बल्ब मैंने लगाया था, पर इसमें ये देखिए साथ में एक ये छोटा बल्ब भी आपका जर्मिनेट हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है रजनीगंधा। और इसकी फ्रेग्रेंस की तो कुछ कहने ही नहीं है जब ये ब्लूमिंग पे आता है। और इसकी जो स्पाइक में इसके फ्लावर्स आते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको अपना अपडेट दे दिया है और अब वीडियो पे आते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर पता नहीं क्यों वो डिस्क्राइब कर देते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, पर दोस्तों आप ऐसा मत करिए। अगर आपको मेरे वीडियोस या मेरा चैनल नहीं पसंद आता तो आप मुझे सब्सक्राइब ही मत करिए। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ऐसा मत करिए कि पहले आप सब्सक्राइब करिए फिर आप डिस्क्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो चलिए गार्डनर्स, ये देखिए हमारा सेंटर गार्डन जो आप लोग को काफ़ी पसंद है। हमारे व्यूवर्स को हमारा सेंटर गार्डन काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर माई सेंटर गार्डन को लाइकिंग करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अपने बिग प्लांटर को जो मैंने क्रिएट किया है। ये देखिए दोस्तों, ये पानी का जो केन होता है, बिस्लेरी वगैरह के जो पानी के केन आते हैं, ये उसको मैंने ऊपर का हिस्सा कट कर दिया है। और इस पर ये देखिए, ये पम्पकिन थोड़ी बड़ी सी बनाई हुई है और हेलोवीन का लुक दिया है। और इस पर एक बर्ड को बैठा दिया है, वो पम्पकिन को खाने आ रही है। तो ये लुक कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए ये कुछ ऐसे लुक में आएगा। और नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए मैंने एक फ्लेमिंगो बर्ड जो होती है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड होती है, उसका मैंने क्रिएशन करने की कोशिश की है। आप सब ज़रूर बताइएगा कि ये क्रिएशन मेरा कैसा है। और ये मैंने वही अपने पुराने एमसील, जैसा मैं हमेशा बनाती हूँ, एमसील से बनाया है। और ये पोर्शन जो बर्ड का पर है, इसको मैंने एमसील से बना कर इसके नीचे कुछ रख के इसको थोड़ा सा सेव दे दिया। जब ये हार्ड हो गया तो मैंने इसको यहाँ और यहाँ से ग्लूगन से चिपका दिया है। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हमारा फ्लेमिंगो बर्ड। और एक ये मैंने यूनिकॉर्न थोड़ा कार्टूनिस्ट सा बनाया है, ये देखिए। और एक मैंने ये देखिए, ये आउल बनाई है, ये देखिए थोड़ा, ये बड़ा प्लांटर है, ये देखिए ये आउल है। इसको भी मैंने एमसील से ही बनाया है, ये सारी चीज़ें मैंने एमसील से बनाई है। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसमें वाइट इनेमिल कलर करके फिर अपना वही फैब्रिक कलर यूज़ किया हुआ है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा मैंने कैटरपिलर बनाया है, ये देखिए ये सारे एक में जुड़े हुए हैं, मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये कैटरपिलर, ये सारे एक में जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसको भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है और ये भी मेरे बच्चों की बॉल है, ये बॉल और एक इधर बॉल पूछ के लिए इसके। और ये सारे डिब्बों को मैंने आपस में ग्लूगन से चिपकाया हुआ है, और ये भी मैंने ग्लूगन से चिपकाया है, ये एमसील से बनाया है। और ये जो बाज़ारों में आँख मिलती है वो है,
और ये देखिए, अगर आप एक साथ में इसको रखेंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, तो होप है गार्डनर्स आपको मेरा ये क्रिएशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा क्रिएशन आपको कैसा लगा। और उन दोस्तों को मैं फिर से कहना चाहूँगी जो पहले सब्सक्राइब करते हैं फिर डिस्क्राइब करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। ओके गार्डनर्स, आप सबसे मैं इसी टॉपिक के साथ में विदा लेती हूँ, अगले टॉपिक पे मैं फिर मिलूँगी। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।